नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी के ऊपर बेस करके वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है और कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है और किस हिसाब से काम करेंगे तो हम लोग फर्स्ट कॉल से इजीली बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। और भी डिटेल्स जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दिया हुआ है। अब लिंक को एक अकाउंट ओपन का एक लिंक मिलेगा, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपके पास एल एस ब्लू की तरफ से फोन चला जाएगा। जो भी मन में डाउट या क्वेरीज है आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही ज्वाइन होइए। तो चलिए देखते हैं आज को निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज को मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड तो था बट मिडिल में काफ़ी हद तक मार्केट को फंसाया था। अब इस तरीके का सिचुएशन में हम लोग कैसे ट्रैप होने से बच सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मार्केट का ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड पता है तो आप कहीं पर भी ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो ट्रेंड समझने के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है वो हम लोग का आरजीबी है। देखिए मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पर आपको तीन कलर दिखाई देगा इस इंडिकेटर में, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दिस इज कॉल्ड आरजीबी फॉर्मेशन। तो आरजीबी का हिसाब से रेड लाइन जिधर रहेगा मार्केट का ट्रेंड होगा उधर। इसका मतलब है रेड अगर नीचे है, ब्लू ऊपर है, तो दिस इज सेलिंग ट्रेंड। अगर रेड ऊपर चला जाएगा और ब्लू नीचे आ जाएगा, दिस इज द बाइंग ट्रेंड। तो देखिए मार्केट आज को यहाँ पर ओपन हुआ था, ओपन होते थे स्टार भी बना। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है जो आरजीबी का ट्रेंड का क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड को समझना है, अगर आप ट्रेंड समझ गए तो आप कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए मार्केट थोड़ा बहुत तो ऊपर चला गया था मॉर्निंग हाफ पे, अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट एक घंटा मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ रैली रहा, बट हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे तो फंस जाएंगे। और बाय नहीं करने का पीछे रीजन यही है, जो आरजीबी का जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, रेड नीचे और ब्लू ऊपर है, इसका मतलब है ट्रेंड को नीचे ही लाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड पता है, अगर आपको डायरेक्शन पता है, तो आप गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरजीबी इंडिकेटर। अगर आपका ट्रेंड डायरेक्शन सही है तो आप लॉस नहीं खाएंगे गलत जगह पर ट्रेड करके। तो यहाँ पर देखिए सुबह से मार्केट अल्टीमेट डाउन में ही आया था। यहाँ पर एक बाय का कॉल बना था लगभग 1:40 पे। बाय का कॉल जैसे बनेगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बाइंग वैल्यू, टारगेट, स्टॉप लॉस, ईच एंड एवरीथिंग दिखाई देगा। अब ऐसा लग ही सकता है जो काफ़ी देर से मार्केट गिर रहा है, अभी मार्केट उठने का सिचुएशन है। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया भी था बट आरजीबी का डायरेक्शन को अगर आप देखेंगे तभी भी ये क्लियर बता रहा है, जो मार्केट में जो ट्रेडर है वो सेलिंग को अभी भी प्रेफर कर रहा है, बाइंग को प्रेफर नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का बाय का कॉल में हम लोग जनरली फंस जाते हैं और जो भी हम लोग प्रॉफिट करते हैं यहाँ पर लॉस खा जाता है। तो हम लोग का इस टाइप का बाय का कॉल से बचना है। कंसेप्ट सिंपल है, जो ट्रेंड को फॉलो करना है, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप यहाँ पर आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अल्टीमेट देखिए इस टाइप का सेल बाय का कॉल में हम लोग को बचना है। और फाइनली देखिए दोबारा सेल का कॉल बना और यहाँ पर रेड लाइन आपको नीचे ही दिख रहा है और ये कॉल आपको लंबा प्रॉफिट दे दिया था, अंत में कॉल आया था और यस का बाद भी आप यहाँ पर प्रॉफिट किए। तो इसमें मोरल एक ही चीज़ है, जो अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं और आपको ट्रेंड क्लियरली पता है जो कौन सा डायरेक्शन पे मार्केट जाने वाला है, तो प्रॉफिट मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आप गलत डायरेक्शन पे ट्रेड लेंगे तो 100% लॉस ही होगा। ट्रेंड अगर सेलिंग का है और अगर आप बाई कर रहे हैं तो लॉस होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो होपफुली आपको समझ में आया है। इस वीडियो में मैं बेसिकली यही चीज़ समझाना चाहता था, जो ट्रेंड को कैसे समझना है। तो इस सॉफ्टवेयर में है बहुत सारा चीज़ बट मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए मेरा वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारा वीडियोस है, आप हो सके तो 2-4 वीडियोस और देख लीजिएगा, आइडिया क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।